हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज एक टिकटॉक के ऊपर नई वीडियो बनाने जा रहा हूं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं वीडियो की ओर। जैसे कि भारत सरकार ने आज ही चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया है, 59 ऐप्स को बैन कर दिया है, जिसमें से एक टिकटॉक है और पहले नंबर पे सैरेट है, ईसी ब्राउज़र, ईसी न्यूज और जैसे कि सैरेट वगैरह और भी जैसे और 11 ऐप्स थे, सारे 59 ऐप्स को आज बैन कर दिया है भारत सरकार ने, जिससे चीन के द्वारा इसमें डाटा रिकवर हो रहा था। चीन इन ऐप्सों से डाटा इंडिया का सारा रिकवर कर गए और चीन को दे रही थी कंपनियां, ऐप्स वाली जो भी सारी कंपनियां हैं। इससे देश को बहुत घाटा हो रहा था, बहुत नुकसान हो रहा था, इसलिए आज भारत सरकार ने इन 59 ऐप्सों को 59 ऐप्सों को बैन कर दिया, जिसमें टिकटॉक है, सैरेट है और ईसी न्यूज, ईसी ब्राउज़र वगैरह के बहुत सारे चीनी ऐप सारे बंद कर दिए हैं। आज से आप लोग कोई भी ऐप्स नहीं देख सकते हैं प्ले स्टोर पर जाके। और जैसे कि भारत और चीन में स्टैम लड़ाई चल रही थी पिछले एक हफ्ते से, इसलिए भारत सरकार ने इंडिया में जो भी चाइनीज सामान है उसको बैन कर दिया है, जो भी ऐप्स थे चीन के उनको बैन कर दिया है। इससे डाटा लीक होता है जो चीन की कंपनियां चीन को देती हैं, इससे बहुत सारा नुकसान होता था, इसलिए आज से ये सारे ऐप्स बैन कर दिए हैं। आप लोगों को ये नहीं मिलेंगे देखने के लिए, जिस किसी के फ़ोन में ये चल भी रहे हैं, आज 24 घंटे के अंदर ये सारे बंद हो जाएंगे और इनका अपडेट नहीं होगा दोबारा। इसमें टिकटॉक, सैरेट, ईसी ब्राउज़र, लाइकी वगैरह ये सारे ऐप्स थे और जो टिकटॉक बना रहे थे, जो टिकटॉक यूजर थे, अब वो देखो क्या करते हैं, कहाँ जाके बनाएंगे। ये तो मुझको लगता है ये सारे विदेश में जाके और बनाएंगे टिकटॉक, क्योंकि इंडिया में तो ये बैन हो चुका है। इससे हम सबको बहुत घाटा था, इससे कोई हमको फ़ायदा नहीं था, इसलिए बैन कर दिया है। क्योंकि चीन में हमारी कंपनी नहीं चलती है, कोई नहीं, हमारे कोई ऐप्स चलते हैं और चीन यहाँ आके हमारी इंडिया में बहुत सारा कारोबार करती है और अपने सारे ऐप्स उतारती है, इससे डाटा लीक होता है और इसलिए भारत सरकार ने सारे ऐप्स बंद कर दिए हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले से लड़ाई चल रही थी चीन भारत में, जिसमें हमारे इंडिया के 100 से ज़्यादा बताए जा रहे हैं 100 सैनिक शहीद हो गए थे इसलिए, और चीन के भी कुछ सैनिक मारे गए थे, पर चीन ने इस बात को साफ साफ इनकार कर दिया, हमारे तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर ऐसा दोनों तरफ से घाटा हुआ है, पर हमारे इंडिया का कुछ ज़्यादा हुआ है इसलिए। और कोरोना वायरस के चक्कर में सरकार ने इसलिए फैसला लिया है, हम चीनी ऐप सारे बंद कर दिए हैं। आपसे अनुरोध है, ये चीन ऐप्सों को चला रहा है प्लीज़, इसको इससे डाटा बहुत लीक है, इससे हमारा घाटा है। और प्लीज़ जो भी लोग वीडियो में नए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने लेंगे, धन्यवाद।